डियर स्टूडेंट्स, मेंस के एग्जाम के डेट को लेकर कई तरह के स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। कुछ लोग हाईकोर्ट के ऑर्डर को दिखा रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा है कि वो 5 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं लेगा। बातें अपने जगह पर सही गलत हो सकती हैं। आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो भी इस एग्ज़ाम को सीरियसली दे रहे हैं, आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते रहें, बल्कि आप 5 जुलाई के हिसाब से तैयारी करें। चूँकि एक बार का आयोग का रिकॉर्ड है कि उसने 21 दिन पहले 48 से 52 में शायद, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, 21 दिन पहले प्रोग्राम निकाल दिया मेंस के एग्ज़ाम का। स्टूडेंट्स जो बहुत बिजी थे या इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए थे, अचानक से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे, 21 दिन के अंदर उन्हें मेंस के लिए जुटना पड़ा। तो ये सब चलता रहता है। हालांकि रिकॉर्ड ये रहा है कि 28-30 दिन पहले प्रोग्राम मेंस का आ जाता है। तो ये सब तो है, लेकिन परिस्थितियाँ अभी थोड़ी सी उलझी हुई हैं। तो आप ये मानकर चलें कि संभावना है कि शायद कुछ दिन एग्ज़ाम एक्सटेंड हो, लेकिन अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप 5 जुलाई के हिसाब से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए आज के गेस क्वेश्चंस जो हम लोग करने वाले थे उसे देख लेते हैं। 5 सेट्स हम लोग कर चुके हैं, 5 सेक्शंस हम लोग अब तक क्वेश्चंस के कर चुके हैं। 6 सेक्शंस होंगे, 3-3 सेक्शंस जीएस पेपर 1 और पेपर 2 में, टोटल 6 सेक्शंस होंगे। स्टैट को हम लोगों ने नहीं किया है अब तक, हालांकि उसके अलावा 5 सेक्शंस हम लोगों ने एट ए स्ट्रेच किया है और इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको दिखाई देंगे। स्टैट हमने नहीं किया है, आज स्टैट नहीं है, एक दो दिनों में स्टैट भी आएगा, आप उसके लिए भी तैयार रहें। आज हम लोग जिस तरह से जो सर्किल चल रहा है उसमें फिर से लौट कर जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन 1 में हम लोग आज आए हैं। यानी आज हम लोग जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर करेंगे, जो सबसे इजी सेक्शन होगा आपके जीएस, जो दोनों पेपर्स आप देंगे। ये आप ध्यान रखें कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट होकर आएंगे, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चंस लिखने के लिए दिया जा रहा है, तो रेस्ट 3 क्वेश्चंस कौन लिखेगा। तो इसलिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बार बार भी आ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ सकते हैं, आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। या एक बार आपने लिखा है तो उसे आप इम्प्रूव करें, आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है या कुछ पॉइंट्स आपने इकट्ठा किए हैं तो इसमें ऐड कर आप अगली राइटिंग में उसे इंक्लूड करें। तो आज हम लोग हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस फिर से आपको रिपीटेड दिखेंगे, लेकिन रिपीटेड का मतलब ये नहीं कि इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दें। रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का। आज का पहला क्वेश्चन 1942 के आंदोलन से संबंधित है। देखिए 1857 और 1942 में से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, और 1942 लगातार भारत छोड़ो पे लगातार क्वेश्चंस दिखते हैं बीपीएससी में, इसलिए हमने इसे इस बार इंक्लूड किया है। फिर से क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता के विशेष संदर्भ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान की चर्चा करें। ध्यान रखें, आपने 1942 का आंदोलन तैयार किया होगा, पिछले बार ही यह क्वेश्चन आया था, इसमें आज़ाद दस्ता का कंटेक्स्ट आप ज़रूर रखें, कम से कम 1.5 पेज का, 1.5 पेज या कम से कम एक फेस आप आज़ाद दस्ता पर लिखेंगे, क्योंकि आज़ाद दस्ता 1942 के आंदोलन में, बिहार के आंदोलन में बहुत विशेष संदर्भ था। तो आप 1942 के आंदोलन, जो बिहार में जिस तरह से आगे बढ़ा, उससे डील कर देंगे, लेकिन साथ में उसके बाद आप आज़ाद दस्ता को बहुत अच्छे से डील करेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन 1857 के महासंग्राम में है, यानी इस बार फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, 1857 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 और 1942 आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन है कि 1857 के महासंग्राम में वीर कुंवर सिंह की भूमिका की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी था, इस बार भी आपको इसे डिस्कस करना है, डिटेल्स में लिखना है किस तरह से वीर कुंवर सिंह ने लीड किया बिहार में 1857 के मूवमेंट को। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा के विकास पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। क्रिटिकली आपको बिहार में महिला शिक्षा पर डील करना है, बताना है कि किस तरह से बिहार में महिला शिक्षा का विकास तो हुआ ब्रिटिश काल में, लेकिन ये बहुत सीमित था,
और इसमें ये सीमाओं के अंदर बंधा हुआ था, ये बहुत छोटे से समूह को टारगेट करके ये विकास हुआ। तो विकास तो हुआ लेकिन ये इंक्लूसिव नहीं था, समावेशी नहीं था, इसलिए आलोचनात्मक। लेकिन याद रखें कि आलोचनात्मक या क्रिटिकली एनालाइज जब आप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ निगेटिव पक्ष को ही लेकर चलें, आप बिल्कुल पॉजिटिवली जो हुआ उसे डील करेंगे, लेकिन आप जब कंक्लूजन करेंगे या भी लास्ट पैरा में आप आएंगे तो इस बात को ज़रूर मेंशन आप करेंगे कि ये विकास जो था ये बहुत छोटे से समूह को ध्यान में रखकर किया गया था, इंक्लूसिव नहीं था, समावेशी नहीं था, समाज का हर वर्ग, महिला शिक्षा का मतलब है हर वर्ग की महिला यहाँ पर शिक्षा नहीं ले पा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश काल में यहाँ पर बहुत सारी सीमाएँ थीं, ये बहुत सारे कार्य सामाजिक तो कर रहे थे लेकिन सीमाओं में बंध कर। तो आज का ये तीसरा क्वेश्चन महिला शिक्षा बिहार में से संबंधित है ब्रिटिश काल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, यस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका ट्राइबल मूवमेंट पर है। क्वेश्चन है कि बिहार में आदिवासी आंदोलन के कारण और परिणामों का मूल्यांकन करें। हमने आदिवासी शब्द दिया है, ये ट्राइबल शब्द है, यहाँ पर संथाल और बिरसा हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो मुख्य रूप से आप इसमें संथाल और बिरसा को ही लेकर चलेंगे, लेकिन ताना भगत भी हुआ, उसके बाद होज विद्रोह भी हुआ और भी दूसरे विद्रोह हुए, ये सारे विद्रोह को संक्षेप में, जो रेस्ट विद्रोह हैं ट्राइबल मूवमेंट, उन्हें छोटा सा संदर्भ देकर मुख्य रूप से आप संथाल और बिरसा को, और ताना भगत भी ज़रूर आप इंक्लूड करें, बहुत ही अलग तरह का था ये मूवमेंट ताना भगत आंदोलन। तो आदिवासी आंदोलन को आपको मूव करना है, मतलब ये कि आपको आदिवासियों पर फोकस रहना है, ना कि बार बार संथाल या बिरसा मुंडा करना है। तो आदिवासियों का क्या उनके ग्रीवांसेस थे और क्या सारे प्रॉब्लम्स थे और किस कारण ये विद्रोह इतना तीव्र हुआ और काफ़ी प्रभावी आंदोलन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं आज का रेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आज का जो पांचवा क्वेश्चन है ये गांधी नेहरू टैगोर से है। टैगोर सच्चे अर्थों में एक मानवतावादी कवि थे। मानवतावाद पर टैगोर के विचारों और रचनाओं का मूल्यांकन करें। तो आप स्पेक्ट्रम का ले सकते हैं अगर नहीं है आपके पास, तो साथ ही मार्केट में और भी दूसरे पब्लिकेशंस आए हैं उनका भी, बहुत छोटी छोटी पतली सी बुक्स दिख रही हैं बीपीएससी ऑफिस के गेट के पास, तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं अगर जा सकते हैं, नहीं तो स्पेक्ट्रम में शॉर्ट में है, हालांकि स्पेक्ट्रम में भी बहुत शॉर्ट में है, लेकिन ये एक अच्छा पब्लिकेशन है, इसमें अच्छा कंटेंट है। आइए अब नेक्स्ट पे आते हैं। आज जो रेस्ट अंतिम क्वेश्चन है नेचुरली आर्ट से है। बिहार के विशेष संदर्भ में मौर्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो आपको मौर्य कला एज ए होल आपको डील करना है। जब मौर्य कला आप डील करेंगे तो बिहार का कंटेक्स्ट आएगा ही, इसलिए प्रश्न में भले ही लिखा हुआ हो कि बिहार के विशेष संदर्भ में, आप मौर्य कला डील करेंगे तो अधिकतर इसमें संदर्भ बिहार का ही आएगा। तो आप जो मौर्य कला का क्वेश्चन एक तैयार करके जाएंगे, आप उसे ही बहुत अच्छे से आप डील करें, कंक्लूजन एक अच्छा सा ज़रूर दें, तब आप छोड़ें क्वेश्चन को, संभव हो तो 3-4 लाइन का आप निष्कर्ष ज़रूर दें। तो ये क्वेश्चन तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे आप याद कर लें, ये अच्छे नोट्स को आप बिल्कुल याद कर जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पाल मौर्य आना ही आना है। तो हम उसके लिए सोचें क्यों, हम माइंड क्यों मेकअप करें, हम कंसेप्ट का क्यों सोचें, इसे जाकर आपको वॉमिट करना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे आपको दरअसल गेट बाय हार्ट करना चाहिए, ये डेफिनेट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, बहुत जल्द स्टैट का भी एक सेट आएगा, आप उसके लिए भी तैयार रहें। तब तक इसमें से 3 क्वेश्चंस 1.5 घंटे के अंदर आपको करना है, इस पर आप ईमानदारी बरतें कि आधे घंटे से ज़्यादा आप समय नहीं लें, एक्सेप्ट दोज जो नए छात्र हैं और आधे घंटे में नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि थोड़ा समय आप 5-7 मिनट और ले लें, लेकिन पूरे क्वेश्चंस लिखें। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करें, हर सेट पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, आपका काम है इसे अच्छे से डिलीवर करना। टेक केयर।